नीमा के डॉक्टरों ने किया सीएमओ कार्यालय का घेराव। नीमा एसोसिएशन के मेंबर्स ने सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया और आरोप लगाया कि बेवजह एसीएमओ ने सनराइज हॉस्पिटल पर छापामारी कर कार्रवाई की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। कई घंटों तक बातचीत का ड्रामा चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हारकर यूनानी डॉक्टर्स कार्यालय के बाहर अखबार की रद्दी बिछाकर धरने पर बैठ गए। 12 मई को एसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने की थी सनराइज हॉस्पिटल एवं संचालक के खिलाफ कार्यवाही। बिना पंजीकरण के चलाया जा रहा था हॉस्पिटल, जिसके खिलाफ आज नीमा एसोसिएशन के डॉक्टर धरने पर बैठ गए और मुरादाबाद के एसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, बीएमएस डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं और किस क्या मामला है यहाँ पर पहुंचे हैं सब लोग? यहाँ पर अभी मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डिप्टी सीएमओ मुरादाबाद। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर यहाँ पे एक हॉस्पिटल को सील किया गया था, जिसका नाम सनराइज हॉस्पिटल है, जिसका रजिस्ट्रेशन केवल 30 अप्रैल 2023 तक था। पिछले साल इनके द्वारा रिन्यूअल नहीं किया गया और ये अवैध तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें 20 बेड डले हुए हैं और एक वहाँ पे अवैध रूप से लैब चलाई जा रही है और एक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है जो इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि जिनके नाम पे इनका कभी पहले रजिस्ट्रेशन रहा होगा उनकी मार्च में डेथ हो चुकी है, जो प्रूवन है। और इनके खिलाफ सीएमओ साहब के और अपर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार तहरीर दी गई थी थाने में और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आज ये कई लोग, इनके संगठन के लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तहरीर वापस लेने के लिए और ये अवैध रूप से चल रहा है क्योंकि इसका पिछले साल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सर, डॉक्टर का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले ना तो कोई नोटिस दिया जाता है, ना कोई आपत्ति कराया जाता है, डायरेक्ट एकदम कार्रवाई कर दी जाती है क्योंकि अवैध रूप से संचालित हो रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनको नहीं चलाना चाहिए। जब इनके पास डॉक्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको नहीं चलाना चाहिए इस तरह से। और जो अवैध रूप से संचालित है सभी के खिलाफ डीएम साहब के आदेशानुसार और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार, सीएमओ साहब के आदेशानुसार समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं डॉक्टर शकील अहमद, मैं जो है डायरेक्टर हूँ सनराइज हॉस्पिटल की। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं आप, ये सब नीमा के डॉक्टर हैं, नीमा के डॉक्टर हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, जो बीएमएस डिग्री धारक डॉक्टर हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो कि नोडल ऑफिसर हैं, एसीएमओ हैं, इनके द्वारा लोगों को गलत तरीके से डराया धमकाया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है और उनसे वसूली की जाती है। इनकी डिमांड 1.5 लाख से 4 लाख तक की होती है, नहीं तो ये वो बदले की भावना से जब कोई अगर इन्हें नहीं देता तो उसके खिलाफ तहरीर देते हैं और उसके खिलाफ पुलिस केस कराते हैं अलग अलग धाराओं में। तो हम लोग यहाँ सब खिलाफ, इस बात के उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ बैठे हैं। मेरे ऊपर जो है इन्होंने गलत तरीके से केस लगवाए हैं, 420 में और 2 धाराओं में केस लगा रखा है और ये जो है डॉक्टरों को, पढ़े लिखे डॉक्टर को जो बीएमएस डॉक्टर है, उन्हें उत्पीड़न कर रहे हैं, उनसे 1.5 से 4 लाख की डिमांड करते हैं और फिर उन्हें जो है ब्लैकमेल करते हैं पुलिस केस के नाम पे, तहरीर के नाम पे। कौन सा संगठन है आपका? देखिए, हमारा संगठन नीमा है, हमारा संगठन एकजुट है, इसमें सब आयुष डॉक्टर है, बीएमएस जो पूरी 6 साल की अपनी डिग्री अपना लेकर आते हैं, सब विद इंटर्नशिप, और जो है इनकी अलग अलग तरह की बातें हैं। ये डॉक्टर नरेंद्र जी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। आपके खिलाफ मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखाया, जिसमें मुकदमे में इन्होंने ये लिखाया कि इनका अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है, जबकि मेरा अल्ट्रासाउंड सेंटर 2.5 महीने से बंद है, जिसका इंटीमेशन मैंने सीएमओ ऑफिस में दे रखा है। इन्होंने उसमें ये लिखवाया कि जो है इनका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है जो मैंने पॉल्यूशन ऑफिस से 3 साल का लिया है। मेरे पास इन्होंने ये लिखवाया कि आप, इनके पास बायोमेडिकल नहीं है, मेरे पास बायोमेडिकल है। मैंने 1 तारीख को सीएमओ ऑफिस में अपना प्रोविजनल जो है जमा कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये जो है वसूली के नाम पे लोगों को डराते धमकाते हैं, उनसे जो है पैसे लेते हैं, 1.5 लाख से 4 लाख रुपए की डिमांड देते हैं और अगर डिमांड पूरी ना होने पे ये उनके खिलाफ पुलिस केस कराते हैं। देखिए, हम लोगों की ये मांग है कि इन्होंने जो हमारे खिलाफ एफआईआर कराई है नीमा मेंबर के खिलाफ, मेरे खिलाफ और भी 1-2 डॉक्टर और है उनके खिलाफ, तो इसे एफआईआर को निरस्त कराया जाए। ये तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे? देखिए, हाई कोर्ट में जाके हम निरस्त करा सकते हैं, लेकिन ये मेंबर को परेशान कर रहे हैं, लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। हम जो है यहाँ बैठे हैं धरने पे और हमारी बात जो है इनसे हुई है, लेकिन जो है इनका रवैया हमारे साथ बातचीत का अच्छा नहीं था, इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेंबरों के साथ अभद्र व्यवहार किया।